ज्वालामुखी उपमंडल अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि होम वोटिंग में 85 आयु वर्ग बुजुर्गों व दिव्यांगजनों की वोटिंग 29 मई तक करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अन्य कर्मचारियों के 194 मतदान ज्वालामुखी कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्रों में करवाए गए और 27 ज्वालामुखी विस्के कर्मचारियों के वोट करवाए गए। इसके अलावा 263 इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए गए। हेलो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 5 जून को हमारे पार्लियामेंट्री जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें लगभग 1131 लोग जो होम वोटिंग के अंतर्गत हैं, उनकी वोटिंग 21 से लेके 29 तक घर घर में हो रही है और लगभग हमने 70% के करीब आज टास्क पूरा कर लेना है। और पिछले कल तक हमने 52% लोगों की वोटिंग घर में करवा दी थी, जिसमें 85 साल से अधिक वृद्ध व पर्सन विद डिसेबल्ड पर्सन जो है इसमें वोटिंग कर रहे थे। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा है, आज सेकेंड रिहर्सल चल रही थी, जिसमें लगभग 300 के करीब दोनों शिफ्टों में, जो पिछले कल भी हमने रिहर्सल करवाई और आज भी, तो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग हमारी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में हो रही है। व्यवस्था जो है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी हुई है। जो 10 पार्टियां हमारी 21 से 29 तक जो वोटिंग होम वोटिंग करवा रहे हैं, उनका तीनों टाइम का खाना व उनका रहना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। और आज भी रिहर्सल में भी जो लोग यहाँ आए हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है। आगे भी जो हमारी फर्स्ट को जो 30 को रवानगी होगी पार्टियों की और फर्स्ट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, उनके भी रहने की खाने की व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रशासन करेगा। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।